नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल किसने हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे जो हमने कल एनालिसिस किया था कैसा टर्नआउट है, बात करेंगे आगे मार्केट किस तरह का हो सकता है। तो दोस्तों कल हमने एक बात कही थी मार्केट में कि बॉस आप मार्केट में बाय कर सकते हैं अगर मार्केट 17,500 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कोई करिश्मा हो जाता है, मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है तो 17,500 के ऊपर हम बाय करेंगे और मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा ये पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, 17,600 का, ठीक है, 17,600-610 का हमने जोन बोला था ये, मतलब यही कुछ जोन बोला था। वो इसलिए था कि वो पिछली बार जो मार्केट में एक एग्रेसिव सेलिंग हुई थी इस दिन, वो यहीं से मार्केट में, यहीं पे मार्केट ओपन हुआ था, फिर यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गया था, तो उस वजह से हमने यहाँ पर कहा था और वो ठीक ठाक प्ले आउट होता हुआ दिखाई भी दिया हमें। मार्केट ऑलमोस्ट 17,600 के आसपास से आज नीचे साइड पर रिटर्न हुआ और काफ़ी अच्छा मोमेंटम नीचे साइड पर मिला हमें, ठीक है। और देखिए ये भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बस मार्केट में क्योंकि मार्केट इतने 2-3 दिन से लगातार मार्केट अपसाइड पर ही मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, जैसे मार्केट में गैप अप, सॉरी ये इस दिन मार्केट ओपन हुआ, अपसाइड मोमेंटम गया, गैप अप ओपन हुआ, फिर अपसाइड क्लोजिंग गया, फिर गैप अप मार्केट ओपन हुआ, तो थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं कि फिर से मार्केट और तेज़ी से फिर से अपसाइड पर ही मूव कर जाए, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो मार्केट मूव करेगा नहीं, राइट, तो मार्केट में फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आना तो ज़रूरी था। तो कल एक्सपायरी है, हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि मार्केट किन लेवल्स पर मोमेंटम किस तरह का कर सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात कि अगर मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है तो ये एक तो एक वोलेटाइल जोन है मेरे लिए। कौन सा वोलेटाइल जोन है? 17,550 से लेकर 17,500। और देखिए जब भी एक मार्केट किसी भी जोन में अगर वोलेटाइल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। तभी बायर्स इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर सेलर्स इसको नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो हर व्यक्ति अपने साइड में मार्केट ले जाना चाह रहा है, तो ये इसलिए ये जो जोन्स होते हैं वोलेटाइल हो जाते हैं, और ये वोलेटाइल है इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर मार्केट मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर जोन में ओपन होता है कहीं पे भी, ठीक है, तो आप ये इस तरह से मार्क कर लीजिए, मार्क कर लेंगे हम लोग, राइट, ये लेवल्स हम लोग मार्क कर लेंगे। तो अगर 17,550 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पर बाय करने के लिए मार्केट में सोचेंगे, तो लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा आपने टारगेट ध्यान में रखना नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो अपसाइड पर आपको टारगेट मान लीजिए 17,650 या 600 तक के, ये यही टारगेट अभी आपको दिखाई देंगे मार्केट में, बिकॉज ये रेंज बहुत बड़ी है। अभी नीचे साइड पर अगर आप देखेंगे मार्केट नीचे साइड पर सपोर्ट लेके अपसाइड पर गया, फिर यहाँ पर नीचे साइड पर इस तरह से आया, तो ये जो स्विंग्स है ना मार्केट के, तो इन स्विंग्स पर ये थोड़े से डिसाइडिंग लेवल्स होने वाले हैं मार्केट के लिए। तो अगर 17,600 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज देना शुरू करता है मार्केट, अपसाइड पर मोमेंटम देता है, तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लेवल टू वॉच आपके लिए जो होंगे ना वो होंगे 17,600 अपसाइड पर, ठीक है, और निचले स्तर पर 17,440 या 450, ठीक है, ये 450 का ही जो जोन है ये आपके लिए थोड़े से लेवल टू वॉच होंगे। अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, मान लीजिए गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाता है और फिर ये लेवल नीचे साइड पे क्रॉस करता है, तो फिर मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। कहाँ तक आ सकता है फिर मार्केट? इन पर्टिकुलर लेवल्स तक मार्केट आपको ईजिली मिल सकता है, 17,350 तक आपको मार्केट ईजिली देखने को मिल सकता है, फिर ये मार्केट ये गैप फिल करने का सोचेगा, ठीक है। तो इस तरह का मार्केट मोमेंटम देख सकता है। फिर यहाँ पर हमें देखना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये जो जोन है, ठीक है, जो मार्केट के लिए प्रीवियसली रेजिस्टेंस था वो मार्केट के लिए फिर यहाँ पर सपोर्ट बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। मे बी मार्केट इस तरह से टाइम पास करके अपसाइड पर जाए, जैसे जाए वो उस तरह से हमें कल देखना है। तो बेसिकली आपको केवल ये देखना है कि बहुत 17,600 का लेवल, अब मार्केट मान लीजिए गैप अप अगर ओपन हो जाता है, यहाँ पर टाइम पास कंसोलिडेशन करता है, फिर अपसाइड ब्रेकआउट देता है, तो और अच्छा मोमेंटम होगा। गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हमें 17,450 या 440 वाला लेवल देख के चलना है, यहाँ पर कंसोलिडेशन क्योंकि नीचे जाता है मार्केट, ठीक है, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम होगा। बीच में अगर मार्केट ओपन होता है ना तो फिर मार्केट फिर ये इन लेवल्स में टाइम पास होने के ज़्यादा चांसेस हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, बट 17,450 का लेवल आप देख के चलें तो अच्छा होगा मार्केट में। सिमिलरली वही जो जोन है वो बैंक निफ्टी में कुछ ये है, 40,200 का लेवल, राइट, और अपसाइड पर 40,600 का लेवल, ठीक है। तो ये जो जोन है जब तक मार्केट इन दोनों जोन के बीच में है ना तब तक मार्केट में आपको बड़ा ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इन दो जोन्स के आजू बाजू मार्केट को निकलना पड़ेगा, ठीक है। 17,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक आप इंडिकेशन ले सकते हैं मार्केट में कि बाय करने का यहाँ पर, ठीक है, तो परंतु फिर भी आपको 100 पॉइंट्स ऊपर 40,500 के ऊपर आपने बाय करने की सोचनी है, पर 100 पॉइंट्स ऊपर ही, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। सिमिलर केस है निफ्टी जैसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर अपसाइड पर आपको यहाँ पर देखना है कि 40,600 पर मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, आपने केवल ये लेवल्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है।
जब तक कि मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस नहीं करेगा ना, इन स्विंग्स को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक मार्केट में बड़े ट्रेंड आपको नहीं मिलेंगे। ये जो लेवल है इनके बीच में तो कतई आप ट्रेड ना करें अगर आप डायरेक्शनल प्लान कर रहे हैं तो, खासकर 40,500 से लेकर 40,300 का ये जो जोन है इसके बीच में तो कतई ट्रेड नहीं करना अगर आप पोजिशनल के लिए ऑप्शन बाय के लिए सोच रहे हैं मार्केट में, ठीक है। इनके बीच में ऑप्शन सेल जरूर किया जा सकता है, या फिर आप ऐसा प्लान कर सकते हैं कि बॉस यहाँ पर सी सेल कर दिया जाए, यहाँ पर पी सेल कर दिया जाए, ठीक है, मार्केट जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है उस तरह का आपको मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल जाए, उस तरह का मार्केट में आप ट्रेड कर लीजिए, उस तरह उस साइड का लेग स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, राइट। ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 17,600 है निफ्टी के केस में, ठीक है, वो वाजिब है जिस जगह से आज रिजेक्शन लिया मार्केट में उसको ध्यान में रखते हुए। डिसाइडिंग लेवल होगा 17,500 का, ठीक है, 17,500 और वो ये एक डिसाइडिंग लेवल मार्केट में होगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है 40,500, वहीं से मार्केट आज रिटर्न हुआ है, ठीक है, 40,600 से रिटर्न हुआ मार्केट, तो 40,500 अराउंड एक अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। इसके ऊपर एक सस्टेन अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो कॉल्स हैं फिर ये स्क्वायर ऑफ होंगे तो अच्छा मोमेंटम होगा। FIA डेटा अगर हम लोग देखते हैं तो FIA डेटा में आज बेरिशनेस दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ये जो गैप है ये फिर से इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, परंतु मेरे हिसाब से चूंकि एक्सपायरी है तो पहला फोकस आपका चार्ट होना चाहिए, चार्ट पे मार्केट किस तरह का ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, जो मैंने लेवल्स आपको बताया उसको लेवल ध्यान में रखिए, ठीक है, उसके उसी तरह से आप ट्रेड करिए। यहाँ से तो बेरिशनेस दिखा रहा है खासकर, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं सब चीज़ों को समअप करके आपको यहाँ पर बताऊँ तो चार्ट्स में अब टॉप पे रिजेक्शन दिखा रहा है तो थोड़ा ये नेगेटिव साइन में मार्केट में मान सकता हूँ, ठीक है। कॉल्स सेल हुए हैं OI में, ठीक है, अगेन थोड़ा नेगेटिव है। PCR अभी भी बुलिश बता रहा है, 1.1 के आसपास चल रहा है दोनों का PCR। FII का फ्यूचर्स डेटा कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है, स्टॉक डेटा में कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है, परंतु ऑप्शन डेटा बेरिशनेस बता रहा है, ठीक है। तो मार्केट में 17,600 से रिजेक्शन मिला है मार्केट में, ठीक है, परंतु अभी ऐसा नहीं समझना है कि बस हाँ मार्केट अभी बेरिश हो गया, मार्केट नीचे घुस रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना, ठीक है। मार्केट में ऐसे जब भी मार्केट अपसाइड पर मोमेंटम करेगा तो आपको रिजेक्शन रिट्रेसमेंट मार्केट में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इन जब तक कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है, तब तक मैं किसी भी तरह की यहाँ पर वो नहीं कहूँगा कि मार्केट अभी बेरिश हो रहा है। इन शॉर्ट टर्म यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ताकि इन शॉर्ट टर्म्स थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पर एक करेक्शन देखने को, कुछ करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए आप प्ले कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। ट्रेड जैसा मैंने आपको बताया 17,440-17,450 का जो जोन है उसमें ध्यान में रख के चलना है आपको, और जैसा हमने चार्ट में डिस्कशन किया है वैसा आपने ट्रेड करना है। देखिए USD INR अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत बड़ा शानदार मोमेंटम हमको यहाँ पर मिला, जैसा मैंने आपको कल ही यही चीज़ कही थी कि उस मार्केट जितना टाइम यहाँ पर बिताएगा ना, ये जो जोन में ये जो कंसोलिडेशन वाला जोन है इसके अंदर जितना समय मार्केट बिताएगा उतना बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मार्केट में मिलेगा, और वैसा ही कुछ कुछ मोमेंटम आपको दिखा 83 के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर USD INR, ठीक है। तो हालांकि मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता, मतलब इंट्राडे बेसिस पर उतना फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है, परंतु यहाँ पर जैसा हमने कहा था कि बस कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर मार्केट में बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर से मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यही है कि अभी तो यहाँ पर किसी भी तरह की बेरिश प्लानिंग नहीं करी जाए, ठीक है, मे बी एक और दिन का मार्केट में अगर मूव आता है उसके बाद मार्केट फिर से यही कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा, ठीक है, या फिर मार्केट इस तरह से मार्केट रिटर्न हो सकता है। तो अगर आपने ट्रेड लिया है तो इट्स ओके, अगर नहीं लिया है तो अभी यहाँ पर थोड़ा पार्टिसिपेशन अपना बहुत कम कर दीजिए, या तो इसको एक बार डिसाइड कर लेने दीजिए कि किस साइड में मार्केट जा रहा है, एक बार मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आए उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पर कि मार्केट में किस तरह से ट्रेड लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं 15 मिनट चार्ट पर चार्ट लगाता हूँ तो बहुत स्ट्रेट बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता हुआ मार्केट अपसाइड पर गया है, ठीक है, तो कोई सिग्निफिकेंट रजिस्ट मतलब सिग्निफिकेंट यहाँ से स्विंग नहीं बनाया मार्केट में, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे भी आ जाए। तो उसके लिए थोड़ा समय हम यहाँ पर रुकते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे हाँ भाई आप हमें यहाँ पर किस तरह का ट्रेड लेना है। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर का एनालिसिस, आई होप ये आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और हाँ सेंसिबल के हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हमेशा की तरह विश यू सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल। कैपिटल आपका है, सोच समझ के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, हेज के साथ ट्रेड करिए, नहीं समझ में आ रहा तो मत ट्रेड करिए, ठीक है, और अगेन हैव अ सेफ एंड ग्रेट एक्सपायरी टुमारो, बाय बाय।